तो आपने सीखा कहाँ से ये, मतलब बस YouTube पे भैया, YouTube से आपके जरिए से। इन्होंने कभी पाव भाजी खा के भी नहीं देखी थी, तो आज ये पाव भाजी सबसे टेस्टी बेचते हैं। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधांशु गौड़। और आज जो व्लॉग है ना, एक्चुअली जैसे मैं अभी फूड व्लॉग्स बना रहा हूँ, कुछ पिछले दो व्लॉग्स मेरे फूड व्लॉग गए हैं, और ऐसे ही और भी आने वाले दिनों में भी फूड व्लॉग्स आने वाले हैं। तो शालू ने घर पे किचन हड़ताल कर दी, कहती मैं नहीं खाना बना रही, आज लंच हमें कहीं करवा के लेके आओ। तो अभी हम अपने अपने ही सेक्टर 16 पंचकुला में आए हैं, और शालू की ये फेवरेट जगह है बॉम्बे स्ट्रीट, जहाँ पे टेस्ट ऑफ मुंबई मिलता है। तो मेरा ये जो व्लॉग जाने वाला है ना, ये डेडिकेट करता हूँ मैं उन लोगों को जो मुंबई से ट्रैवल करते हैं कभी चंडीगढ़, और उनको यहाँ पे मुंबई टेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे सेक्टर 16 पंचकुला में आपको मुंबई का टेस्ट मिलेगा, वड़ा पाव, दाबेली, पाव भाजी एंड पंजाबी में यहाँ पे कुलचा मिलता है। तो वो सब हम टेस्ट करने वाले हैं। शालू का सबसे फेवरेट है दाबेली, और तो जल्दी से चलते हैं अंदर और ऑनर से करते हैं बातचीत, और फिर खाते हैं फटाफट से, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी है। शालू ने कुछ नहीं खिलाया आज, मुझे भी लगी है। तो जी, अभी हमारे साथ हैं अंकल महेश, जिनकी ये शॉप है, ये शॉप के ओनर हैं। तो वेलकम अंकल जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपकी ये जो शॉप है और ये जो काम है, आप कब से कर रहे हो? 2014 से कर रहा हूँ, अभी 2 साल हो गया इस सेक्टर में। ओके, इससे पहले आप कहाँ पे करते थे? उससे पहले मैं कंटिन्यू 5 साल 15 सेक्टर में था। 5 साल 15 सेक्टर में थे, 15 सेक्टर में आपका स्टॉल लगता था ना? स्टॉल लगता था। हाँ, तो मेरे को एक चीज़ बताओ सर, अब सबसे पहले कि आपकी शॉप पे क्या क्या मिलता है? पहले तो मेनू मेरा बिल्कुल छोटा था, अभी भी छोटा है, कोई ज़्यादा खास बड़ा लंबा चौड़ा मेनू नहीं है मेरा। ठीक है। पहले तो वड़ा पाव पाव भाजी होता था, लेकिन अभी दुकान का खर्चा को देखते हुए तो इसमें 2-3 आइटम मैंने और ऐड किया है। क्या क्या? एक तो स्पेशली मैं अमृतसर का न्यूट्री कुलचा बनाता हूँ। ठीक है। न्यूट्री कुलचा हो गया, चना कुलचा हो गया, और वड़ा पाव में वैरायटी कर दिया, जैसे चीज वड़ा पाव, शेजवान वड़ा पाव हो गया। तो वड़ा पाव को बनाने का क्या आपका प्रोसेस वगैरह क्या रहता है? 50% काम मैं इसका घर से करके लेके आता हूँ। घर से करके लेके फ्राई करके लाता हूँ। उसके बाद यहाँ अमूल का बटर लगा के प्रॉपर तरीके से, फिर तो इसको क्रिस्पी करके थोड़ा इसमें पंजाबी तड़का लगा देता हूँ। ओके, तो पंजाब के लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है। ठीक है। एंड उसी तरह दाबली के बारे में बताओ सर, दाबली में क्या क्या पड़ता है? दाबली इतनी टेस्टी होती है? दाबली भैया, अभी दाबली मेरा बहुत बढ़िया बनता है, लोग कहते हैं, मैं तो कहूँगा आप ऑनलाइन देख लो, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, कहीं आपको दाबली ऑनलाइन मिल ही नहीं रही है मेरे अलावा। क्या बात है जी। तो अभी मेरा रेंज भी थोड़ा बड़ा कर दिया स्विगी जोमेटो वाले ने। पहले मेरा इधर चंडीगढ़ 26 तक जाता था, अभी आप चंडीगढ़ के किसी कोने से आप ऑर्डर कर दो, ठीक है, स्विगी या जोमेटो से, इधर चंडीगढ़, पूरा चंडीगढ़, इधर VIP रोड, ढकोली, जीरकपुर, पूरा। तो दाबली में डलता क्या क्या है, थोड़ा सा दाबली के बारे में बताओ कि होता क्या क्या है दाबली इतनी टेस्टी जो बनती है? दाबली का जो मेन फिलिप बेस होता है भैया, इसका जो होता है शकरकंदी, आप जो स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, शकरकंदी का इसका वो फिलिंग होता है, उसके ऊपर से पीनट हो गया, और मसाले इसमें कम से कम 30-40 तरह के मसाले उसमें मिक्स होते हैं, जो स्वीट पोटैटो डालते हैं उसके अंदर में। उसके बाद फिर अनार हो गया, अनार का दाना हो गया, पीनट हो गया, ये बारीक सेब वाली जो नमकीन हो गई, ये हल्का खट्टा मीठा तीखा तीनों का स्वाद देगा आपको। तो आप बेसिकली कहाँ से हो ये बताओ पहले? मैं तो सर अयोध्या से हूँ, अयोध्या के लोकल से ही। तो आपको ये सब चीजें पहले से आती थी बनानी? बिल्कुल कुछ नहीं आता था, तो बस एक जज्बा था कुछ करने का, कि तो मैं सोचा क्या करूं। और मैं मुंबई गया था तो उधर देखता था बड़ा पाव, नाम तो बहुत सुना था बड़ा पाव, पाव भाजी बहुत बिकती है, तो अब चलो यही ट्राई करते हैं। तो आपने सीखा कहां से ये, मतलब? बस YouTube पे भी आया, YouTube से आपके जरिए से। तो जी देख लो YouTube की कितनी ताकत है, मतलब YouTube पे वीडियो देख के अंकल ने इतनी बड़ी शॉप खोल दी है, अपने आप सीखा इन्होंने, इनको कुछ मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं आता था। बिल्कुल नहीं भाई, मैं पाव भाजी खाया ही नहीं था, और क्या। अच्छा, पाव भाजी आपने कभी खाई भी नहीं थी? बेचने से तेरी की क्या बात है, इन्होंने कभी पाव भाजी खा के भी नहीं देखी थी, तो आज ये पाव भाजी सबसे टेस्टी बेचते हैं। तो ये देखो कितनी मतलब ताकत है YouTube में, इन्होंने YouTube, आपने सारा YouTube से सीखा? सब कुछ YouTube पे सीखा है, सारा YouTube से सीख के इन्होंने मतलब इतनी सारी डिशेस बनानी शुरू की। तो अब देखते हैं इनकी किचन अंकल जी की, और अपना भी ऑर्डर कर देते हैं। तो अभी शालू के लिए तो सबसे पहले एक ना दाबली बना दो आप, और एक बड़ा पाव भी बना दीजिएगा,
पेस्ट करके खाती हूँ। इसमें पता क्या, ये जो आ रही है ना हल्की हल्की ब्रिक ब्रिक नमकीन जिसको सेव बोलते हैं, और ये पीनट और पोमेग्रेनेट का जो टेस्ट आ रहा है ना मिक्सअप, और ये थोड़ा मीठा है, स्पाइसी है, नमकीन है, और सॉसेस भी मुझे लगता है बहुत सारी इन्होंने सॉसेस, ग्रीन सॉस, रेड सॉस, और ये सारी सॉसेस लगा के इसको इतना यमी बनाते हैं ना, तो मतलब एक में ही आपको इतने फ्लेवर मिलते हैं ना, तो इसलिए मेरे तो ये फेवरेट है। और ये भी है कि दाबली मिलती भी यहाँ है, कहीं नहीं मिलती, तो इसलिए मैं तो अगर यहाँ आती ना तो दाबली तो पक्का फिक्स है, ये तो खानी खानी है। और सीरियसली, और आप आओ और आप कहोगे कि हाँ शालू ने कहा था कि पक्का खाओ, और आप मानोगे कि इस यहाँ की सबसे ज़्यादा फेवरेट दाबली है। और वानी आप क्या कहोगे? मैं तो बोलूँगी बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी। तो है क्या ये जो आप खा रहे हो, क्या है ये? ये बड़ा पाव है। अब मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ अभी एक पाव भाजी जो यहाँ की सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम है। पाव भाजी देखते हैं कैसे बनती है और फिर उसको आपको टेस्ट भी बताते हैं कैसा है। आपने देख ही लिया है कि बने कैसे हैं, पूरी तरह अमूल बटर में, इसके ऊपर भी अमूल बटर है, अमूल बटर में डुबकियां मारते हुए ये बने हैं। और इसको खा के देखते हैं अभी। पहले तो मैं अपनी गुड़िया को खिलाऊंगा, मेरा बच्चा, एक डुबकी मरवा के इसको, एक और डुबकी मरवा दो। और ये कैसा है? गरम है, गरम है। तो जी अभी मैं खा के आपको बताता हूँ कि ये कैसा लग, कैसा रहा यार। मेरे को तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है अमूल बटर, रज के अमूल बटर है। और ये डाली हमने भाजी इसमें, और ये प्याज, ठीक है। यार इनके ना आई डोंट नो क्या है, इसका अलग कोई रेसिपी है, अलग से मसाला डालते हैं, मैंने देखा अभी अंदर, वो अलग से मसाला क्या है मुझे नहीं पता, उसकी वजह से ना अलग ही लेवल का टेस्ट आ रहा है। तो एक नींबू भी यहाँ पे पड़ा है, अभी नींबू निचोड़ते हैं पहले, तो मैंने निचोड़ा नहीं पहले, नींबू ने एक्चुअली टेस्ट डबल कर देता है यार पाव भाजी का। और ये प्याज भी, और एक्चुअली इन्होंने साथ में मिर्ची भी दी हुई है ये, और अगर आपको एक्स्ट्रा लेनी है तो ये मिर्ची भी यहाँ पर पड़ी है। ये चटनी है, हरी चटनी और लेनी है तो और भी आप ले सकते हो उसमें, और वहाँ पे सॉस भी है, ठीक है। तो अभी यार मैं खा रहा हूँ, मेरे को लगी हुई है भूख, शालू ने तो अपनी खा ली। ओए होए होए, क्रेविंग तो मुझे हो रही है, तुम्हें देख देख के दिल कर रहा है मैं, मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। वाह जी वाह यार, ये देख रहे हो, देख रहे हो कितने क्रंची बना दिए उन्होंने अमूल बटर में ना। अरे नहला के लेके आते हैं यार ये पाव जो है ना, नहला के लेके आते हैं। और इस पे अलग से तड़का लगाया था भाजी पे, भाजी बनी हुई थी उसके अलग सा तड़का, उसमें भी इन्होंने मक्खन डाला था, ऊपर से मक्खन अलग डाला। और पंजाबी शक्ल दिख रही है, पूरा फील, स्वाद आ गया यार। अभी इसके बाद ऑर्डर करेंगे हम कुलचा, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी मैं ये खाता हूँ, अब हम ट्राई करते हैं न्यूट्री कुलचा, सर की नई आइटम ऐड हुई है मेन्यू में, तो सर ही बनाने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है अंकल जी। तो अंकल जी बनाएंगे हमारे लिए अभी न्यूट्री कुलचा, तो चलो चले अंकल। ओके, एक प्लेट लगाना है ना? एक प्लेट जी। तो ये गया प्याज, ओके ये न्यूट्री है, ये आ गया, ये तड़के में न्यूट्री है, तड़का लगा रहे न्यूट्री को, क्या बात है।
नींबू, ये हो गया है तैयार, न्यूट्री की सब्जी तैयार हो गई है। अब इसमें जाएगा अमूल का फ्रेश क्रीम। सारे प्रोडक्ट अमूल के यूज करते हैं ना? अमूल का। अच्छा, ये अमूल का बटर, क्या बात है जी। आप बटर पूरी तरह से डालते हो, मतलब रज के मक्खन की तो डुबकियां लगवा देते हो सब्जी को, पाव को। आधा टेस्ट इसका तो बटर से ही होता है सब चीज का। अब बटर से हम कंजूसी करेंगे, अमूल के जब न्यूट्रल राइस डालेंगे, डिलीशियस डालेंगे, तो वो मजा फिर नहीं आता है। कस्टमर एक बार खा लेगा फिर वो कहेगा यार नहीं मजा नहीं आया। अब ये हो गया न्यूट्री वाले स्पेशल, मैं इसको ऑर्डर दे के बनवाता हूँ कुल्चे। अच्छा, कुल्चे को ये, हाँ जी, ये देखो एकदम सॉफ्ट होता है ये। ये ओके, मतलब बड़े सॉफ्ट से आप कुल्चे बनवाते हो। इसमें थोड़े शेजवान, ये आपकी चटनी, ये गार्लिक वाली ड्राई चटनी होती है थोड़ी। ये होता है मैजिक मसाला मेरा। अच्छा, ये आपका मैजिक मसाला है? ये बॉम्बे स्ट्रीट का मैजिक मसाला है। ये बॉम्बे स्ट्रीट का मैजिक मसाला, वाह जी वाह, कमाल है जी। तो एक बार फिर से मक्खन गया इसके बीच में। ये हो गया जी रेडी आपकी प्लेट। हाँ जी शालू। हाँ, ट्राई कर। ये है न्यूट्री कुल्चा। ओके, शालू खाने लगी है पहले न्यूट्री कुल्चा। हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। रिवर्स स्टेट, ये बिल्कुल सॉफ्ट कुल्चा तो मैंने ऐसे कभी खाया ही नहीं। इतना सॉफ्ट कुल्चा और न्यूट्री में जो क्रीम, ये क्रीम है ना? हाँ, ये अमूल क्रीम है। अमूल क्रीम और बटर का जो मिक्स टेस्ट आ रहा है ना, नम्मी। वानी आप खा के दिखाओ, बताओ कैसे, कैसा लग रहा है, कैसा लगा? टेस्ट आया आपको? गरम तो नहीं है? इसको गरम का ही टेस्ट आया होगा। गरम का ही टेस्ट आया होगा। गरम भी है, उसके बाद टेस्ट भी है। ओके। और न्यूट्री का टेस्ट इतना सही आ रहा है, हम घर में बनाते हैं ना, मतलब लग ही नहीं रहा वो घर वाले। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। मैंने जैसे फर्स्ट टाइम खाया ना कुल्चा, मैं तो इसको भी फैन हो गई। शालू ने तो छोड़ना नहीं था, बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने। हाँ। तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ, इससे बड़ी तारीफें हो रही थी मेरे को यार, जीभ ललचा रही थी, जीभ लप लप पाई। मैं ट्राई करने वाला हूँ यार, ये बहुत सारी लगा लूंगा मैं तो। ओहो हो हो हो, बताओ ना यार, वाह। तुम तो भूल ही गए। एक मिनट, एक बाइट और लूंगा फिर बात करूंगा। मेरे स्वाद, मेरे स्वाद आगे पंजाब का स्वाद। मेरे न्यूट्री ना शालू बनाते हैं, आंधी नहीं बनानी। मैं तो खुद सोच रही जड़े घर बनाने हो, बिल्कुल वही यार, मतलब वही न्यूट्री है जो घर में आप लेके आते हो और आप बनाते हो, लेकिन यार अलग ही मजा है। मेरे से ब्रेक के नहीं लग रही, मैं क्या बात करूं। और तुम पहले खा लो। अभी तो नींबू नहीं डाला यार, चलो नींबू डाल के खाते हैं। ये सांशु के एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे हैं। यार वेट यार, एक मिनट, नींबू के साथ अभी मैंने मिक्स करके इसको अच्छी तरह से नींबू के साथ खा के देखते हैं स्वाद। मेरे मतलब स्पीचलेस हो गया यार, मतलब रुकन का मन नहीं कर रहा, ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा है मेरा। अंकल ने मेरे को एक बार बताया, कहते ये जो ड्यूटी है ना, मैंने स्पेशली जिम वाले बंदों के लिए बनाई है, क्या नो डाउट इसमें काफ़ी सारा मक्खन है, तो जिस दिन जिम वालों को चीट डे हो ना, तो यार ये न्यूट्री ट्राई करो, डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट है, ठीक है? तो अभी मैं खाता हूँ, आप लोग देखो। तो अंकल जी अब ये बताओ कि प्राइसिंग का क्या है? ये छोटा सा मेनू है, एक बार दिखा दीजिए। हाँ मैं दिखा देता हूँ। देखो ये पाव भाजी तो मैंने
80 रुपए 70 रुपए से अभी 80 जाके अब किया हूँ अभी दो महीना पहले से नहीं तो 70 ही का था। वही मैं जानना चाह रहा था कि 80 रुपए में आप पाव भाजी दे रहे हो, इतना जेन्युइनली मतलब बड़ा जेन्युइन प्राइस है, कोई ज्यादा प्राइस है नहीं और इतना टेस्ट। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि इसके पीछे क्या राज है आपका, जो आपने अंदर मैजिक मसाले की बात की थी किचन के अंदर, वो क्या है, वो आपकी सीक्रेट रेसिपी क्या है? वो सीक्रेट मसाला होता है, वो आपने खुद तैयार किया है? और सीक्रेट मसाला कोई भी कोई खास नहीं होता है, अगर हम तो एक मोटा माटी ये जानते हैं कि कोई भी चीज आप ईमानदारी से करो ना तो ऊपर वाला 50% खाने पीने के काम में बचत होता ही है। कौन सी चीज है जो आप यहाँ पे कहेंगे कि एक बार ट्राई जरूर करें आपकी? देखो मेरा बेस तो बड़ा पाव पाव भाजी शुरू से ही रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक है। अब दूसरा चीज मैंने जो ऐड किया था न्यूट्री कुलचा चना कुलचा, तो न्यूट्री कुलचा आप खाए हैं आप ही बता सकते हैं। मैं तो सच्ची बता रहा हूँ कि मेरे को तो यार न्यूट्री कुलचा बहुत ही अल्टीमेट लगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को स्पेशली कहा था कि न्यूट्री कुलचा मैंने एक नया ऐड किया है वो आप ट्राई करके देखो, बहुत ही अल्टीमेट था वो। और मैं कहूंगा कि आप अगर यहाँ पे आते हो तो प्लीज एक बार वो जरूर ट्राई करो। बाकी दाबली वड़ा पाव पाव भाजी तो इनका फेमस ट्राई सिटी में है ही। ठीक है जी, तो सर आप ही अब मेरे व्यूवर्स को बोल दो प्लीज के एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें चैनल। बिल्कुल बिल्कुल भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और उसके बाद वीडियो देखने बाद कमेंट जरूर करना। सबसे बड़ी बात अंकल ने बोली है कि कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपने यहाँ आके खाया कि नहीं खाया, और अगर आपने खाया है तो यहाँ की आपकी कौन सी फेवरेट डिश है। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जी जय हिंद जय भारत।